subscribe now and press the bell icon never miss an update अरब हलकों में ये हो गया ना कि भाई इंडिया बड़ी मार्केट है और बड़ी ग्रोइंग सुपर पावर है और कल इसको सुपर पावर बनना है तो हम इंडिया के साथ उस तरह का ताल्लुक तो नहीं रख सकते सही हम यानी हमारे तो मुल्क ही तबाह करना चाहते हैं हम हम तो हम सिक्कम और भूटान और बांग्लादेश तो नहीं बन सकते हमने इतनी बड़ी आर्मी बनाई और ये एडमी प्रोग्राम बना एक बात में आज आपसे पहली दफा कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड लोगों को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की दफाई कुत कितनी है अमन, मौहिदा, अमन मौहिदा जो उनकी तरफ से कहा गया है जो एक एग्रीमेंट हुआ है इसराइल और यूए के बीच उसको हानुस आप किस तरह से देख रहे हैं ये एग्रीमेंट होना हमारे को कितना ज्यादा नुकसान दे और का, का और का चाहिए। एक बात तो मैं में देना नहीं चाहिए पाकिस्तान का रवैया ठीक है सोचा समझा है नहाय बात की हमायत की है मगर कोई गैर जरूरी तबसरा नहीं किया है ये अरबों का मामला है और हम तो जाहिर है उसके हक में देखिए बाद बड़े दिलचस्प बात है सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई थी छोटे से साई शुरू हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ऐसे हुआ सरकम धकेल के ले जाते हैं तो पता चलता बनते हैं। है कि पीछे जो कुदरत का हाथ है वही फैसले सादर वही करता है देखिए नैतन याहू फंस गया उसने कहा तीस परसेंट जमीन गजा की लूंगा उसने उसमें करप्शन के इल्जाम आए उसने और बहुत सी उसकी नाकामियाँ थी उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं ट्रंप जो है वो फंस गया कोरोना में बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ और जो बाइडन आपको पता है कि उससे बहुत आगे था इधर अरब जो हैं इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं ज़रूरतें हैं और वो अमारात में तो देखिए कारोबार नंबर वन चीज़ है उनका तो तेल भी ठीक है लेकिन असल में तो वो दुनिया का नंबर दूसरा दु, बड़ा ट्रेड सेंटर है अच्छा डिफेंस के लिए वो मोहताज हैं अमेरिका के ठीक आउटसोर्स करना पड़ता है ना एक एक ही मुल्क है ना जिसने फौज बनाई मिस्र ने बड़ी और फौज ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया तो फौज वो बना नहीं सकते अब अरबों की मजबूरियां मार्केट की भी कारोबार की भी उसकी भी फौरी मजबूरी उसको वोट चाहिए थे और नैतन याहू की भी

के अब अपनी तरफ से तो उन्होंने यकीन से कहा कि अपना मोहम्मद तो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जमीन ये ये बचाएगा।, बचाएगा अच्छा दूसरी तरफ नैतन याहू ने कहा कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता यानी कोऑर्डिनेशन कोर्डिनेशन का ये, ये आलम है और अभी इसके माह को इस तरफ फाइनल नहीं समझना चाहिए इम्प्लीमेंट तो ये होगा ये नजर आ रहा है बैरीन ने वेलकम किया मिसर ने किया और फाइनली सारे अरब इसको तस्लीम कर लेंगे लेकिन याद रखिए किसी के मानने या मानने से बुनियादी सदाकतें नहीं बदल जाती बुनियादी सदाकत यह है कि मुस्लिम उमा इसे तस्लीम करती है या नहीं लोग कहेंगे मुस्लिम उमा कहाँ है वो तुर्की, तुर्की बैठा हुआ है कतर है पाकिस्तान है मलेशिया है इंडोनेशिया है तो एक अरब साठ करोड़ मुसलमान है तुर्की और बड़ा शदीद और ये अगर से किसी, किसी का ख्याल है ना कि वो ग्रेटर वो देखिए ग्रेटर इसराइल की राह लिए ईरान का मुहा किया जा रहा है शाम में रिजीम चेंज चाहे हुकूमत की तब्दीली चाहते थे ईरान में चाहते थे और भी प्रेशर शायद हु को अमेरिका तहफुज देता रहा देखिए जहा कहीं मुस्लिम अवाम को मौका दिया गया है जहा कहीं तो एक अजीम बरपा हुआ तुर्की बदल गया जहां मुस्लिम अवाम पर एतम किया गया मलाइशिया बदल गया। मलाइशिया की फीकस आमदन चीन से ज्यादा है और थोड़ी सी ज्यादा नहीं 40 से है चालीस फीसद ज्यादा है और कैसे कैसे बहरानों से गुजरा है और वो कह रहे हैं अपना रू -रू रूस का तैयारा मार्गराया तुर्की ने हमने इंडिया का मार गिराया कोई ये सोच नहीं सकता था निस्बतन छोड़े रूस का और उसका क्या साइज का क्या मुकाबला उनके दरमियान जंगे भी रही है कुछ हुआ नहीं है सही रास्ता इख्तियार करेंगे तो सही नतीजा निकलेगा उसने कहा था कोयला पायलो ने जिसको तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा अदीब माना जाता है जिंदगी में गलती नाम की कोई चीज नहीं होती बस सबक होते हैं जब हम उन्हें सीखने से इनकार कर देते हैं तो कुदरत हमारे लिए उन्हें दोहराती है अपना सबक दोहराती है हमें मुश्किल में डालती है तकलीफ में डालती है ग्रेटर इसराइल के तस्वर से वो दसबरदार नहीं हो सकते और ये फरमाया गया है कि वह तक तो उन्हें पहुंचना है लेकिन इस दुनिया का मालिक कौन है सारे तजिये हो जाते हैं बस एक बात तजिया निगार भूल जाते हैं और भी भूल जाते हैं वो जो है वो साथ साथ है। भी भूल जाते हैं के जो पीस एग्रीमेंट के हवाले से कहा जा रहा है इसराइल और यूए के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है आर्मी चीफ की तो मैं बात करूंगी कुछ फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व थे कि ये मुहिदा जल्दी में किया गया क्या मामला था कि देखिए दुनिया बदल रही है ना मैं बार बार, आपसे कहता हूँ दुनिया बदल रही है ब्लॉक नए बने देखिए जब ईरान का माशरा एक तरह से कर लिया गया और उसमें लगा था ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता जब तक शाम में हुकूमत ना बदले ईरान में ना बदले और वहां अमरीका नवाज हुक्मरान वो उस इलाके में उनका थानेदार है ठीक है ना न्यू वर्ल्ड आर्डर जिसे कहा तो चीनियों के मामला तो पहले ही चल रहे थे अब देखिए इसी को मैं कहता हूं ना कि जब आप तजिया करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि एब्सोल्यूट पार्क नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती कोई सारी दुनिया में फतेह कर ले चंगेज खान ने भी फतेह कर ली थी तैमूर ने भी कर ली थी और उन्होंने भी कर ली ले थी लेकिन ये नहीं होता कि सारे अवामल उसके हाथ में चले जाते हैं वो कुरान कहता है एक को दूसरे से दफक कर देते हैं कुदरत मालिक की मर्जी है मोहलत भी देता है सजाएं भी देता है इंसानों को देखिए और उनका पेट्रोल नहीं बेच सकते थे वो इंडिया का मना कर दिया इंडिया ने 20 बीस चीनियों ने कहा अपॉर्चुनिटी पैदा होगी ना नाला पैदा हो गया ना सारा तेल आम खरीदते हैं ठीक है ना और अगर फर्ज कीजिए वो फॉरन 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट न भी करें मगर उनके मफादात हो गए ना यहाँ इधर गवादर है इधर चा बार इंडिया वहां से निकल गया और अफगानिस्तान से निकल इंडिया का प्लान क्या था उधर अफगानिस्तान से उधर ईरान से बैठ के जहां बाहर से उधर ईरान से नौ कौशल खान है वहां सात आठ नौ ईरान में और पाकिस्तान में को बटाज किया जाए उधर वो एलानिया तो कहते दे तो तोड़ देंगे बलोचिस्तान को अलग कर देंगे वो तो चार वो क्या हुआ वो सब क्या हुआ वो पख्तानिस्तान कहा गया और वो अब ये क्रैकर वगैरह फेंक रहे हैं लेकिन ये है कि अब काफी गिरफ्त है चीनी फैक्टर इसमें बड़ा अहम आ गया एक अजीब बात है क्या किसी वक्त मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कंफ्यूशिज्म और इस्लाम का रूज जवाल एक साथ हुआ